शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल ने राहुल गांधी को पप्पू कहते हुए उन पर तंज कसा। इसके साथ ही अनुपमा जायसवाल ने अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए काशीराम और मायावती पर भी अभद्र टिप्पणी की है। साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव पर भी जुबानी हमला बोला। मंत्री ने मायावती को अपनी भी सीट बेचने वाला बताते हुए कहा कि उन्होंने यह भी काम किया कि चलते चलते जिस सीट से अपने को लड़ना था मायावती वह सीट भी बेच डाली। साथ ही गोंडा के मैरिज हॉल में विजय संकल्प साइबर योद्धा सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए अनुपमा जायसवाल पहुंची हुई थी, जहां उन्होंने विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। चार साल का उत्तर प्रदेश को ठगा, तो ठगना ही किसका चरित्र रहा? कहते हैं माया महा ठगनी हम जानी। ऊंचे ऊंचे ठग जिनकी ऊंची ऊंची साख, उनसे भी माया तुम्हें ठग लिए 50-50 लाख। तो मायावती का चरित्र नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कहाँ हूँ। और तब मैं कहती हूँ कि मायावती जी, जरा संभल के, गठबंधन आपने किया है, आपकी मजबूरी होगी या आपके दिमाग की देन होगी, आपने तो समझा होगा, लेकिन जरा संभल के, क्योंकि व्यक्ति का नेचर और व्यक्ति का सिग्नेचर दोनों तभी मिलती है। काम मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी का नौजवान कहता है, काम नहीं मिलता है तुम्हारा कारनामा बोलता है, और जब काम मिलता तो फिर हाथी का गोबर उठाने की तुमको जरूरत है क्या पड़ेगी? अगर काम मिलता था तो हाथी का गोबर उठाने की क्या आवश्यकता थी भाई? गोबर लिए घूम रहे हो, जगह जगह उस पर सरपर रख रहे हो, उसको बड़ा इज्जत देने का काम कर रहे हो, मंच पर बैठाने का काम कर रहे हो। मित्रों, ये सारे स्वार्थी गठबंधन है। 2017 के प्रदर्शन में भी आप सबको ले जाऊंगा।